नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले ने हर किसी को सन करके रख दिया है। महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने सभी को हिलाकर रख दिया। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस मामले को लेकर अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है और इस मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है। वहीं इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का गुस्सा भी फूट पड़ा। इस मामले को लेकर आलिया भट्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग आलिया भट्ट को ट्रोल कर रहे हैं। आखिर क्यों लोगों का गुस्सा आलिया पर क्यों निकल रहा है, ये बताने से पहले आपको उनका पोस्ट दिखाते हैं जिसमें वो कोलकाता डॉक्टर मामले पर गुस्सा जाहिर करती दिखी है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, एक और बलात्कार, यह एहसास होने का एक और दिन कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। भारत में निर्भया ट्रेजेडी को हुए 10 साल हो गए लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। 30% डॉक्टर और 80% नर्सिंग स्टाफ औरतें हैं। 2022 से अब तक 4% औरतों के प्रति होने वाले क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, जिससे 20% वो है जिसमें रेप और दुष्कर्म शामिल है। 2022 से हर रोज 90 रेप भारत में रिपोर्ट होती हैं। आलिया ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, महिलाओं के रूप में हम सभी को कैसे महसूस करना चाहिए, ये बातें दिमाग में लेकर हमें कैसे काम पर जाना चाहिए और रोजमर्रा का जीवन जीना चाहिए। इस भयावह घटना ने हमें याद दिलाया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा का भार खुद उठा रही है। अब जिस तरह से आलिया भट्ट ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है उस पर लोगों ने सवाल उठा दिए। दरअसल पिछले साल आलिया भट्ट के पति रणबीर कपूर ने एनिमल नाम की फिल्म में काम किया था। इस फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ की कमाई की हो लेकिन फिल्म में जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया वो एक बड़े तबके को रास नहीं आया। लोगों ने इस फिल्म को महिला विरोधी बताया था। फिल्म में कई चीजें ऐसी दिखाई गई थी जो महिलाओं के लिए अपमानजनक थी। अब जब आलिया ने कोलकाता मामले पर रिएक्ट किया तो लोगों को गुस्सा आ गया। एक यूजर ने लिखा, अपनी आवाज उठाने के लिए धन्यवाद, लेकिन शायद इसकी शुरुआत आपके अपने घर से ही हो सकता है कि अगली बार जब आपका साथी स्त्री द्वेषी निर्देशक के साथ काम करने का फैसला करे, जहां मर्दाना पुरुष चरित्र को अपनी पत्नी का अपमान करना होगा और दुर्व्यवहार करना होगा और इसका परिणाम नहीं होगा, तो उसे मना कर दे। लोग एनिमल जैसी फिल्में देखते हैं और सोचते हैं कि ये ठीक है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं आलिया, लेकिन कृपया रणबीर को सुझाव दे कि वो एनिमल जैसी फिल्म ना करे। बदलाव की शुरुआत घर से होती है। ये उस तरह की फिल्में हैं जो पुरुषों को महिलाओं के साथ डिस्पोजेबल वस्तुओं की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी जिस भी तरीके से वे सही समझे। और हमारे देश में आमतौर पर फिल्मों का सबसे ज्यादा असर होता है। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, कृपया एनिमल जैसे फिल्मों का प्रचार ना करें, यह उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देता है। आप और आपके पति बेहतर जानते हैं, यह हमेशा प्रसिद्धि और पैसे के बारे में नहीं है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, अरे आलिया के रिस्पेक्ट वालों, आलिया कुछ नहीं जानती, ये सब उसका मैनेजर पोस्ट करता है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, बदलाव की शुरुआत घर से होती है, रणवीर से कहे कि एनिमल जैसी फिल्में ना करें। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, एकजुटता के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या आपने ऐसी फिल्म का प्रचार नहीं किया जो हिंसा को उचित ठहराती हो, क्योंकि आपके पति ने ऐसा किया था। क्या आपके पति और आप हिंसा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, अब जबकि आपका एक बच्चा है, इस पर विचार करना नितांत आवश्यक है। अपने आप से पूछे कि आपकी भूमिका क्या रही है। तो देखा आपने लोग किस कदर आलिया भट्ट और उनके पति को ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म एनिमल पिछले साल 1 दिसंबर को रिलीज की गई थी। इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को महिला विरोधी बताते हुए कई लोगों ने इसका बहिष्कार किया था। वैसे जहां कुछ लोग आलिया को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो आलिया को उनके इस पोस्ट के लिए ढेर सारी तारीफें दे रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए कई लोगों ने आलिया को नेक दिल भी बताया है। बताते चले कि आलिया भट्ट के अलावा करीना कपूर, कृति सैनन, कंगना रनौत और अंशुमान समेत कई स्टार्स ने इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हर कोई दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। वैसे जिस तरह से आलिया भट्ट को ट्रोल किया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।